नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी इन हिंदी में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ALP और टेक्नीशियन परीक्षा 2018 के बारे में। तो दोस्तों, इसमें हम आज जो बात करने वाले हैं वो है 10+2 PCM की क्या कट ऑफ रहेगी। मेरे को बहुत सारे 10+2 वाले स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे 10+2 वालों की कट ऑफ क्या रहेगी, हमने सुना है हमारी कट ऑफ हाई रहेगी या कम रहेगी, जो भी है उसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा था कि जिनके 30 मार्क्स से कम आ रहे हैं वो 10+2 PCM वाले स्टूडेंट कौन सा RRB चुने, या तो दूसरे जो डिप्लोमा वाले, BTEC वाले, या बात करें ITI वाले, जिनके 30 से कम मार्क्स आ रहे हैं वो कौन सा RRB चुने। जहाँ तक मैं बात करूँ, ITI के 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 1 से लेकर 15 तक के मार्क्स के बीच में ही मार्क्स आ रहे हैं, यानी 1 से 15 के बीच में 50% ITI वाले स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं। और जो बाकी जो 45% स्टूडेंट है ITI वालों के, वो 30 या 32 मार्क्स तक पूरे सिमट जा रहे हैं। जिनका रिजल्ट ख़राब रहा है वो ITI वाले स्टूडेंट हैं जिनके मतलब कि मार्क्स कम है, और लगभग 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 32 से प्लस मार्क्स है, 32 से ऐसे लगभग हाईएस्ट 40 कह सकते, लेकिन कहीं 1-2% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ITI वालों के 40 से ज़्यादा मार्क्स है, लेकिन वो 35 तक लगभग ITI वाले सभी सिमट जा रहे हैं। अगर जिनके PCM वालों के 30 मार्क्स है तो उनके लिए कौन सा बेस्ट RRB रहेगा वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। PCM के लिए कुल कितने पद है, यानी मेरे को बहुत से कमेंट आ रहे थे सर हमारे कौन से RRB में PCM के लिए कितने पद है, तो मैं सभी को रिप्लाई तो नहीं दे पा रहा था, लेकिन मैं सबको आज एक साथ ही वीडियो में बता दूंगा कि कौन से RRB में PCM के लिए कितने कितने पद है। बाकी तो ALP वालों को पता है उनके ALP में कितने पद है, टेक्नीशियन में कितने पद है, लेकिन इनको PCM वालों को जो इनकी S और NT की पोस्ट है, इनको मतलब ये पद ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने बहुत सा एनालिसिस करके कलेक्शन करके इनको पता किया है कि S NT की कितनी कितनी पद है। उसके बाद में बात करेंगे किस RRB से कितने बच्चे होंगे पास, यानी कि 12 PCM वालों के लिए जो कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे पास किए जाएंगे सेकंड CBT एग्ज़ाम के लिए, उसकी भी बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू देखिएगा, आपके जितने भी डाउट है वो सारे डाउट इसी वीडियो में आज क्लियर होने वाले हैं, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए यूज़र हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास में बने बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे ये होगा कि मैं जैसे ही कोई रेलवे ALP टेक्नीशियन SSC या कोई GK के संबंधित वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, आपको किसी भी चीज़ का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भी अगर RRB का रिजल्ट आता है तो मैं उसका जैसे ही वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, तो रिजल्ट के लिए भी आपको वेट करना या फिर किसी के मैसेज का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो वीडियो को और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और रिजल्ट के नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे दिए गए जो लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर दीजिए, और पास में जो बेल आइकन बटन है उस पर भी क्लिक जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके मन में जितने भी डाउट है वो सारे आज इसी वीडियो में क्लियर करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं कुल कितनी पोस्ट हैं। तो दोस्तों, टोटल जो पोस्ट हैं वो है 64,371 पोस्ट हैं। इनको दोस्तों बांटा गया है ALP और टेक्नीशियन की अलग अलग पोस्टों में। तो ALP की जो पोस्ट हैं वो है 27,795, और जो टेक्नीशियन की पोस्ट हैं वो है 36,576 पोस्ट हैं। तो दोस्तों, जो ये टेक्नीशियन पोस्ट है इसमें से SNT की पोस्टों को अलग किया गया है जो 12 PCM वाले स्टूडेंट के लिए हैं, तो वो पोस्ट हैं 5,512। तो दोस्तों, जो 12 PCM की जो डाउट थी कि हमारे लिए कितनी टोटल पोस्टें हैं, तो वह 5,512 पोस्टें 12 PCM वालों के लिए SNT की पोस्टें हैं। इनके लिए जितने बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे CB2 के लिए, टोटल पोस्ट 5,512 का 15 गुना किया जाए तो 82,683
लगभग 83,000 स्टूडेंट क्वालिफाई किए जाएंगे CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। जितने 12th PCM के पोस्ट अप्लाई किए हुए थे वो टोटल कैंडिडेट की संख्या थी 10 लाख, जिसमें से लगभग 9 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था। तो 9 लाख स्टूडेंट में से 82,683 स्टूडेंट को CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, जो कि बहुत ही कंपटीशन रहेगा, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई जाने के बहुत चांस है, क्योंकि 9 लाख में से 82,683 स्टूडेंट की कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगी। और 12th PCM वालों के जहाँ तक मार्क्स की बात करें तो इनके 40 से अबव ही मार्क्स आ रहे थे। कई स्टूडेंट ऐसे हैं 50% स्टूडेंट जिनके 40 से कम है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट के 40 से ज़्यादा, और कई स्टूडेंट तो 50 प्लस क्रॉस कर रहे थे। तो इनकी कट ऑफ की बात करें तो जिनके 12th PCM में 35 से प्लस मार्क्स आ रहे हैं वो दोस्तों 12th PCM वाले CBT 2 के लिए क्वालिफाई है। 35 से लगभग 42 मार्क्स के बीच में 12th PCM वालों की कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन कई ऐसे जोन है जिनमें जहां 12th PCM की पोस्टें कम है, उनके बारे में मैं आज बताऊंगा, तो उनकी कट ऑफ 24 से अबव भी जा सकती है, तो उसका विस्तार से हम एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं, मतलब 30 से जिनके कम मार्क्स है वो कौन सा RRB चुने, उसके बारे में भी आज हम पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कौन सी पोस्टों के लिए कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए भी एक बार मैं विस्तार से जो आपके मन में डाउट था वो भी आज क्लियर कर लेता हूँ। जैसे कि अजमेर में टोटल पोस्ट थी 3,086 टोटल पोस्ट थी। तो इन पोस्टों में जो ALP की पोस्ट थी वो थी 1,110, और SNT की जो पोस्ट थी वो है 369 SNT की पोस्ट थी, और बाकी जो टेक्निशियन पोस्ट बचती है वो है 1613। तो कौन से बच्चे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आज आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो 1613 पोस्ट हैं ये सिर्फ ITI स्टूडेंट के लिए ही है, ये इन पर सिर्फ ITI स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। 12th PCM का स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता है, डिप्लोमा वाला अप्लाई नहीं कर सकता है, और BTEC वाला भी अप्लाई नहीं कर सकता है। और जो ये पोस्टें हैं 369 पोस्ट, तो इन पर 12th PCM का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, और इनके साथ में डिप्लोमा और BTEC वाला भी अप्लाई कर सकता है। ITI वाला तो सभी पर अप्लाई कर सकता है, लेकिन इस पर PCM वाला भी कर सकता है और डिप्लोमा BTEC वाला भी कर सकता है। और रही बात ये 1110 पोस्ट है, तो इस पर 12th PCM वाला अप्लाई नहीं कर सकता है, यहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा BTEC और ITI वाला अप्लाई कर सकता है। तो आपके मन में ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं 12th PCM वालों के लिए कौन से RRB में कितनी कितनी पोस्टें हैं, तो उनके बारे में एक बार विस्तार से क्लियर कर लेते, क्योंकि नोटिफिकेशन में 12th PCM वालों के लिए SNT के अलग से पोस्टें नहीं दी गई थी, तो एक बार उनकी पोस्टें बता देता हूँ, साथ में मैं आपको कोई और भी कन्फ्यूजन होगा तो वो क्लियर कर दूंगा। कौन से पोस्ट है 30 से कम मार्क्स वालों, कौन से पोस्ट में अप्लाई करना है वो भी मैं आपको साथ में बताता हुआ चलता रहूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद में दोस्तों जो पोस्टें हैं वो है SNT की 160 पोस्ट हैं, तो इनके लिए 15 गुना क्वालिफाई होंगे, तो 15 गुना के लिए 2400 बच्चे लिए जाएंगे। तो दोस्तों 30 से कम मार्क्स वाले एक बार सोच समझ के यहाँ से अपन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है। दूसरी बात करते हैं अजमेर की। अजमेर में दोस्तों जो पोस्टें हैं वो है 369 पोस्टें, 369 पे 15 गुना क्वालिफाई किए जाएंगे, तो पोस्टें होती है 5,445, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्कोर वाले बच्चे अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इलाहाबाद की। इलाहाबाद की जो पोस्टें हैं वो है 797, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, जो इनके 15 गुना किया जाए तो होती है 11,955, जो कि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं,
तो यहाँ इलाहाबाद में जो 30 से कम मार्क्स आ रहे हैं जिनका 12th पीसी में, वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ एक बार, जो बेंगलोर की जो पोस्टें हैं, बेंगलोर की जो पोस्टें हैं वो है 383 पोस्टें, टोटल 15 गुना किया जाए तो 5745 होता है। और भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में जो पोस्टें हैं वो है 409, जो टोटल 15 गुना करने पे होती है 6135। तो भोपाल भी एक अच्छा जोन है 30 से कम मार्क्स वालों को अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं भुवनेश्वर की। तो भुवनेश्वर में जो टोटल पोस्टें हैं वो है 67 पोस्टें, तो 67 पोस्टों का 15 गुना किया जाए तो 1005 पोस्टें होती है। तो यहाँ पर तो 30 से कम मार्क्स वाले अप्लाई बहुत ही नहीं करना, बहुत ही कम स्टूडेंट है जो अप्लाई करेंगे 30 से कम मार्क्स वाले, लेकिन आपको यहाँ नहीं करेंगे तो अभी बेटर रहेगा, क्योंकि पोस्टों की संख्या यहाँ पर बहुत ही कम है। आपके लिए जो उपयुक्त ऑप्शन है वो है इलाहाबाद है और चेन्नई है और सिकंदराबाद है, मैं आपको बताता रहूँगा अभी आगे एक साथ में। तो आगे जो बात करने वाले हैं वो है बिलासपुर की। तो बिलासपुर में जो पोस्टें हैं, बिलासपुर की जो पोस्टें बताई गई है वो है 255 SNT की, 255 का 15 गुना किया जाए तो 3825 पोस्टें बिलासपुर के लिए है। यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं जो भी सेफ जोन में रहेंगे। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों चंडीगढ़ की। तो दोस्तों चंडीगढ़ की जो कटअप रहती है वो हर बार हाई रहती है, इस बार का कुछ कह नहीं सकते हैं, हर बार इसकी कटअप हाई रहती है। यहाँ पर जो पोस्टें हैं वो है 305, इसका 15 गुना किया जाए तो 4575 PCM वाले स्टूडेंट यहाँ से क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद बात करते हैं चेन्नई की। चेन्नई में दोस्तों जो पोस्टें हैं वो है 300, 300 का 15 गुना कर दिया जाए तो लगभग 4065 पोस्टें होती है, 4065 पोस्टें। ये जो मैं सारी आपको पोस्टें बता रहा हूँ वो है SNT की पोस्टें हैं, SNT जो 12th PCM वाले, डिप्लोमा वाले, BTEC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये खास तौर से 12th PCM वालों के लिए अलग से पोस्टें क्वालिफाई करके मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में बात करते हैं गोरखपुर की। तो दोस्तों गोरखपुर में जो पोस्टें हैं वो है 477 पोस्टें, इसका 15 गुना कर दिया जाए तो 3690 लगभग पोस्टें रहती है। इसके बाद में बात करते हैं जम्मू की। तो दोस्तों जम्मू में जो पोस्ट है वो है 43, बहुत ही कम पोस्टें हैं। तो यहाँ पर तो आप सोच समझ कर ही अप्लाई कीजिएगा, पर जहाँ तक इस बार की जो बात है वो साउथ के एरिया में बहुत सी कम कटअप रहती है, तो इस बार अधिकतर चांस वहीं से बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं जिनके कम कटअप है। उसके बाद बात करते हैं सिकंदराबाद की। दोस्तों ये सिकंदराबाद आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। तो दोस्तों सिकंदराबाद की जो पोस्टें हैं वो है 436 पोस्टें हैं, तो इसका अगर 15 गुना कर दिया जाए तो 6540 कैंडिडेट यहाँ से 12 CBT 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों सिलीगुड़ी की। तो दोस्तों यहाँ पोस्ट है जो 38 पोस्ट हैं, तो इनका 15 गुना किया जाए तो 570 पोस्ट होती है। उसके बाद बात करते हैं त्रिवेंद्रम की। तो त्रिवेंद्रम पोस्टें हैं वो है 118, 15 गुना है, 2006 पोस्टें यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद कोलकाता की बात करते हैं, कोलकाता एक बेस्ट ऑप्शन रह सकता है आपके लिए। तो दोस्तों कोलकाता में जहाँ पोस्टों की बात की जाए तो 193 पोस्टें हैं, 193 पोस्ट हम टोटल 2895 स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपन मालदा की। तो मालदा के अंदर जो पोस्टें हैं 128 पोस्ट है, 128 पोस्टों का 15 गुना किया जाए तो 1920 स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं मुंबई की। दोस्तों मुंबई जो 30 से कम मार्क्स वाले आ रहे हैं उनके लिए एक बेस्ट चॉइस है, जिनके 30 से कम
मार्क्स आ रहे हैं 12 PCM के, वो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर पोस्टों की संख्या है 685। किसके लिए? ओनली SNT के लिए। अगर इसका 15 गुना कर दिया जाए तो जो पोस्टें बनती है वो होती है 10,275 पोस्टें। मुंबई की जो पोस्टें बनती है वो है 10,275, जो कि 12 PCM वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद बात करते हैं मुजफ्फरनगर की। तो दोस्तों जो मुजफ्फरनगर में जो पोस्टें हैं वो है 134। तो अगर यहाँ टोटल पोस्टों की बात करें तो 1,260 स्टूडेंट यहाँ से क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद मैं बात करते हैं पटना की। तो जिनके दोस्तों पटना में जो अप्लाई करने वाले हैं, जिनके 12th में 45 से प्लस वाले हैं, वो ही यहाँ से अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ की कटअप बहुत हाई जाती है और यहाँ पर SNT की पोस्टें बहुत कम है। SNT टोटल पोस्ट हैं 84 का अगर 15 गुना कर दिया जाए तो 2010 पोस्टें रहती है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों रांची की। तो रांची में जो पोस्टें हैं 218 पोस्टें हैं, इसका 15 गुना कर दिया जाए 3,720। तो ये भी दोस्तों एक कम मार्क्स वाले स्टूडेंट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह मैंने आपको RRB की जो जितने भी सारे जोन थी RRB की, उन सारे SNT की जो पोस्टें थी वो सारी पोस्टें मैंने आपको बता दी है। और जहाँ तक बात है 30 से कम मार्क्स वाले, तो वो इलाहाबाद से अप्लाई कर सकते हैं, अहमदाबाद से अप्लाई कर सकते हैं, बेंगलोर से कर सकते हैं, भोपाल से कर सकते हैं, बिलासपुर से कर सकते हैं, और गोरखपुर से कर सकते हैं, और सिकंदराबाद से कर सकते हैं, कोलकाता से कर सकते हैं, मुंबई उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, मुजफ्फरनगर से कर सकते हैं, रांची से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी RRB 12th PCM वालों के लिए। अगर आपके मन में इसके अलावा और भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूले। साथ ही साथ आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे और मस्त रहे।